प्रो टिप आपको देने वाला हूँ जो मैंने आने के बाद बकचोदी नहीं करनी। दूसरा प्रो टिप है ये, अनायशा का बर्थडे है 14th को, तो स्कूल So guys, वर्कआउट करने के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। और भाई जो स्पेशली जिम के पैशनेट होते हैं ना, या फिर वो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जो बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं, जैसे मेरी अभी प्रेप चालू है ऑफ सीजन, तो बैग से पता चल जाता है कि भाई कितना सीरियस है। देखो बैग का वजन देखो, इसके अंदर सप्लीमेंट्स हैं, इसके अंदर एसेसरीज हैं, रिस्ट बैंड है, क्लोथ्स हैं, टॉवल्स हैं कपड़े चेंज करने के लिए, तो बैग भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे को टाइम लगता है भाई, प्री वर्कआउट मील लेनी पड़ती है, ड्यूरिंग का अपना शेक बना के रखना पड़ता है, पोस्ट ट्रेनिंग के बाद जो लेना है वो सब बैग के अंदर होता है। तो आज मेरा जो दिन है, वैसे तो संडे है लेकिन मेरी ट्रेनिंग आज बहुत हार्ड है, शोल्डर डे। सो गाइस, मैं जिम में आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, तो मैं एक प्रो टिप आपको देने वाला हूँ जो मैंने बहुत कम से कम सैकड़ों बार अपने ऊपर देखा है ये होता है। अगर आपको इंटेंस वर्कआउट करना है ना, तो ये टिप हमेशा मेरा याद रखना, जिम में आने के बाद ना बैठना मत, बातें मत करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं आता हूँ रात को 9 बजे और आके बैठ जाता हूँ, बच्चों के साथ बातें लग जाता हूँ, उसके बाद ना आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा कब निकल जाता है, तो वो जो एनर्जी और मोटिवेशन होता है ना वो नीचे आ जाता है, चाहे आपने प्री वर्कआउट पिया हो नहीं पिया हो। और वहीं मैंने ये भी देखा है कि जब मैं आया हूँ जिम में, बैग रखा है, चेंज किया, मूड बनाया, अपने आप से बातें की और वर्कआउट शुरू कर दिया, तो इनसेन वर्कआउट होता है। तो याद रखे, जिम में आने के बाद बकचोदी नहीं करनी, अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप को ये बताना है कि आज ये वर्कआउट करना है और ये तोड़ करना है। अगर आप मंदिर जा रहे हो और आप पूजा कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान पूजा में नहीं है, तो मंदिर जाना व्यर्थ है। यही मकसद है मेरा कहने का। अगर आप जिम आ रहे हो और जिम में आपका ध्यान नहीं है, आपकी मसल को आपको तोड़ने में ध्यान नहीं है, वर्कआउट में ध्यान नहीं है, तो आना व्यर्थ है। ये प्रो टिप है, अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। एक और लगे हाथ आपको दे ही देता हूँ, वैसे मैं बहुत बार करता हूँ। दूसरा प्रो टिप है ये, भाई साहब जितना इससे दूरी बनाओगे ना ड्यूरिंग वर्कआउट, उतना आपका बढ़िया वर्कआउट होगा। आप चेक कर रहे हो, चाहे कोई भेज भी नहीं रहा, नोटिफिकेशन है, चेक क्या आया इंस्टाग्राम पे, क्या पोस्ट हुआ, क्या किसी ने बोला, क्या मैसेज आया, क्या कमेंट आया, क्या लाइक हुआ, तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको फेंको ड्रॉर में। या एक काम कर सकते हो, तीसरा इसी में जोड़ देता हूँ, ऊपर जाओ, फ्लाइट मोड ऑन करो, अपनी प्लेलिस्ट चलाओ जिससे आप मोटिवेट होते हो, या जो आपको गूजबम देता है ट्रेनिंग के टाइम पे, आप किसी एथलीट की बातें सुन सकते हो, मतलब मोटिवेशन सॉन्ग सुन सकते हो, या मेरी प्लेलिस्ट बहुत ख़राब है भैया जो दूसरे ना सुन पाएंगे, मैं तो हनुमान जी की सबसे पहले वो सुनता हूँ, उसके बाद मैं मोड में आता हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आते गाने, तो ये से दूर रहे, ये डिस्ट्रैक्शन है। 40 मिनट के वर्कआउट में ऐसे हो जाओगे भाई साहब किसी ने पीट रखा है, तो ये रखा है यहाँ पे, फ्लाइट मोड ऑन, भाई करेगा वर्कआउट खतरनाक। तो बहुत सारे भाई मेरे को यहाँ पे भी कमेंट करते रहते, भैया कुछ फिटनेस के बारे में, वैसे ये फिटनेस चैनल है नहीं, तो मैं करने जा रहा हूँ शोल्डर, और शोल्डर में मैं हमेशा हमेशा, ये मेरा है, हो सकता है सबके अलग अलग होते हैं, सबकी ओपिनियन अलग होती है, लेकिन मैं शोल्डर को बहुत मतलब बारीकी से, इतने साल से मैं कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि इसको ना वार्म अप करने के लिए मुझे मेरी बॉडी को साइड लेटरल में करता हूँ, 300 साइड लेटरल, लाइट वेट से करो, बॉडी आपके शोल्डर राउंड राउंड महसूस होंगे, पंप होंगे, उसके बाद कितनी भी हैवी ट्रेनिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंजरी। तो ड्यूरिंग वर्कआउट ना भाई, मैं ये 50 ग्राम काब है, प्लेन काब, इसके अंदर में मिलाऊंगा मसल ब्लेज का EAA 8000, भाई मार्टिनी फ्लेवर है, इसकी 2 स्कूप लूंगा मैं, क्योंकि मैं तो या एडवांस लेवल पे चल रही हूँ।
ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं या मेहनत करते हैं चैनल पे कंटेंट बनाने के लिए, जो है फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल और हमारी टीम जो भी हम 5-6 भाई हैं वो आपस में बहुत मेहनत करते हैं और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की रील पे भी और पिछली वीडियो में भी। इससे पहले फाइनलाइज करते हुए कीरत भाई पूरा कैप वैप पहन के पूरा जेंटलमैन बन के सेक्सी बॉय बन के मेहनत करता है काम। इधर बैग रखा है, ये रखा है, ये वैसे ये घर नहीं है, ये मेरा फ्यूचर ऑफिस है 3 महीने के बाद। के लाइट वगैरह रखी हुई है, ये सब मुझे भी सिखा दे कैमरा वैमरा चलाना भाई। आता है आपको तो? अरे कहाँ आए, मुझे मोबाइल चलाना आवे मेरे पे। शूट तो करते हो आप अकेले? अकेला कर लेता हूँ कभी कभी, वो सेटिंग पूरी फिक्स करके उसी में चला दूंगा पूरा साल भर। क्या कर रहा था? मुझे मेरी बोतल में से ना मेरी बोतल रखी थी, मैं ना अपना पानी नाप के रखता हूँ। देख रही है और हाँ, इसमें से एक गिलास वाटर निकाल के दे मुझे। वन गिलास ये रहा मेरा गिलास, ये रहा, ये रहा, देख रहा ये इधर रखा। थैंक यू। ये पूरी शैतान पार्टी जो है ना रात को घूमने आती है यहाँ पे, बहाना होता है सिम्बा का, शरार करते हैं सारे। ये देख लो विवेक को, देख लो अनाइशा को, देख लो मैडम को, देख लो आनी को, देख लो वो कहा है अमायरा, पीछे ये अमायरा कहा है, कहा है वो, कहा है सिम्बा, बुला सिम्बा को, अब बैठे सिम्बा, सिट, प्यार नहीं चाहिए मेरे को, अब प्यार मत दिखा, दंगा कर, दंगा कर। भाई अनाइशा का बर्थडे है 14 को, तो स्कूल में ना इनके फंक्शन है जिसका भी मंथ मतलब इस मंथ में वो आता है बर्थडे, तो इनवाइट किया हुआ है, तो बच्चों के साथ मुझे भी जाना पड़ता है। अभी भी बहुत सारा हमारा दूसरे ही घर में है सामान, तो कपड़े पहनने के लिए आना पड़ता है इधर। कहा है भैया अनाइशा? तो बिल्कुल रेडी है भैया, अनाइशा का हैप्पी बर्थडे है परसों। अनाइशा वहाँ मिलेगी ना स्कूल में? ये कौन है भैया लड़की? डैडी देखो कितनी पावरफुल है। अनाइशा का बर्थडे जो है वो 14 नवंबर का होता है, लेकिन मंथ के बच्चों का बर्थडे स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ में, तो उनके पेरेंट्स को भी इनवाइट किया, तो छोटी सी जैसे मीटअप या फिर पार्टी बोल सकते हो, पार्टी, केक कटिंग पार्टी रखी है स्कूल में। हाँ, केक कटिंग पार्टी, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं रेडी होके, तो सब लोगों को जाना होता है, पेरेंट्स को, भाई को, और अनाइशा तो जा रही है डॉल बन के, तो अभी देखो स्कूल में क्या कराते हैं, तो थोड़ा कुछ कुछ शूट करके आपको फोटो आपको दिखा। क्या अनाइशा, मेरा स्कूल बहुत दूर है? दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर का, मेरे को 1 आवर लग जाता है, तो स्कूल तो यही है, 20 मिनट भी नहीं लगते। आप अभी तो स्कूल से पहले हो, लेकिन ट्रैफिक होता है ना इस वजह से बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। नहीं, मेरे को रास्ते में कभी ट्रैफिक नहीं मिलता। आज मेरा बर्थडे भी है। कब है आपका बर्थडे? आज ही है। आज थोड़ी है, 14 नवंबर। आपको आपको डेट पता है आपके बर्थडे की? क्या डेट है, क्या डेट है बताओ? 14। ओ भाई, ओ मौज करती है हमेशा। या मैं तो हो गया था अंदर बोर, मैडम और बच्चे आए, क्या गिफ्ट मिला है नाइस आपको? कलर वाले लाइंस एंड शेप्स। वेरी गुड।